एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें उसके एग्जांपल तक आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मली अगर ये लाइट का सोर्स है, ये क्या होता है, ये हमारे पास यही सोर्स है कि सीधा है, क्योंकि हम लोग प्रोपगेशन लाइट का प्रोपगेशन क्या स्ट्रेट में पढ़ेंगे, रे ऑफ लाइट उसी तरीके से यहां से लाइट को ऐसे निकलेगा स्ट्रेट यहां पर पहुंचेगा, ठीक है, यानी ये वाला जोन जो रहेगा वो ब्राइट जोन रहेगा। उसी तरह अगर यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधा यहाँ पर जाएगा स्ट्राइक करेगा, और ये जो यहाँ पर ये वाला जो जोन रहेगा वो क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, और ये वाला जोन जो है क्या होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं, होता क्या जब हम नॉर्मल अपने घर में करते हैं तो हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो ऑब्स्ट्रक्शन पहले आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, अगर ऑब्स्ट्रक्शन का साइड जो है ऑब्स्ट्रक्शन का साइड लाइट ऑफ वेवलेंथ के लाइट से ज्यादा है, ऑब्स्ट्रक्शन का साइड वेवलेंथ के लाइट से बहुत ज्यादा है, तब तो रे इतना बिहेव करेगा, लेकिन जैसे जैसे इसको छोटा करते जाते हैं तो आप देखते क्या है, ये जाना तो ये सीधा, लेकिन ये मुड़ के ऐसे यहाँ तक ब्राइट पहुंच जाता है, ये मुड़ करके यहाँ तक ब्राइट पहुंच जाता है, ये ब्राइट का जोन कितना होगा इतना होगा, उसी तरह यहाँ पर जाना लिखा चाहिए, ये ऐसे जाना चाहिए, ये धीरे धीरे मुड़ करके यहाँ पहुंच जाता है और ये धीरे धीरे मुड़ करके यहाँ पहुंच जाता है, यानी इतना ही डार्क रहता है बाकी इधर क्या हो जाता है, ब्राइट हो जाता है। तो इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, इसी फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, समझ में आ रहा है, सर को भी समझ में आ गया, तो इसी फेनोमेना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बारे में मैं सोचा था डेफिनेशन लिखवा दूंगा, लेकिन यहाँ पर सामने खड़ा होकर के प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इसलिए डेफिनेशन कल लिखाऊंगा, ठीक है, इस पर नोट डाउन।